क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। अगर आपने बॉन्ड तोड़ा भी तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो स्टेबल नहीं होता। पहले तो टूटेगा ही, अब आप कहेंगे क्यों नहीं टूटेगा, अभी एक मिनट पहले तो मैंने आपको चीज क्लियर करी थी कि OCH3 दे रखा है, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट कार्बन के CH2 हाइब्रिडाइज। जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, और अगर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आए तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, फिर दिक्कत बन जाएगी ना। अगर पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आता है तो उससे क्या बनेगी, हमारे लिए दिक्कत बन जाएगी। तो अगर हमारे लिए दिक्कत बनी क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना फिर आसान नहीं रहेगा। अगर ये टूट भी गए तो कौन सा कार्बो कैटन है, फिनाइल कार्बो कैटन, और फिनाइल कार्बो कैटन अगर ये बॉन्ड टूट भी गया तो बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए इसमें ये प्रोडक्ट तो बन नहीं सकता। अब बहुतों के माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर तो इसमें इधर की साइड बॉन्ड तोड़ के देख लो, आप इधर से तोड़ ही क्यों रहे बॉन्ड को, इधर से तोड़ेंगे तो आप इधर से तोड़ो बॉन्ड को, इधर से तोड़ो, क्यों तोड़ सकते हैं आप इधर की साइड से बॉन्ड को, क्योंकि देखो आप बताओगे मुझे कि सर एक चीज तो इसमें फायदा ये है कि यहां पर ना तो बेंजीन रिंग वगैरह, दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे ना, SP2 हाइब्रिडाइज, SP3 हाइब्रिडाइज, तो सीधी बात है SP3 हाइब्रिडाइज तो रेजोनेंस होगा नहीं, और अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो HI के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें तो फायदा ये है, क्या बन जाएगा यहाँ पे OH आ जाएगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। तो ये याद रखना कि सब प्रोडक्ट ये बनेगा ना कि जो आप बता रहे थे वो बनेगा। अगर आपने इस रिएक्शन को एक्सेस अमाउंट में भी करवाया, यहां तो मैंने लिमिटेड में लिया है, और याद रखना मैंने कंसंट्रेटेड HI लिया है, अगर मैंने इस रिएक्शन को किसमें करवाया है, अगर एक्सेस ऑफ HI में भी करवाऊंगा तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब भी प्रोडक्ट यही बनेगा। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि इसमें तो आपने बताया था कि आयोडीन भी लग जाता है, तो मैं क्लियर कर देता हूं, अगर मैंने रिएक्शन करवाई HI के साथ, ठीक, तो आप सोच रहे हैं कि इसमें आयोडीन लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है सर, तो मैं एक चीज आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि अगर ऐसा आपने किया तो वो भी तो एक तरह से कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो मैं आपको रीजन बता देता हूं इसमें कि इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं की। भाई सब्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी क्या है, सब्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है कि सबसे क्या हटे, OH ग्रुप हटे, लेकिन OH तो अपना ही अलग ट्रेंड बनाए बैठा, वो ये कह रहा है कि मेरे पास तो क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज की वजह से, तो मैं क्यों HI के साथ रिएक्शन दूंगा, मैं तो HI के साथ रिएक्शन नहीं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर को तोड़ना आसान नहीं होता, यानी कि इस डबल बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आयोडीन इसके साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो इसमें जो आयोडीन आप सोच रहे हैं कि हम लगा देंगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप आयोडीन लगाने के लिए आपको OH और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है, कार्बन और OH के बॉन्ड तोड़ने पड़ेगा क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, तो ये रिएक्शन यहीं पर हो जाएगी। और भी रिएक्शन देखो, अगर आप HI के साथ रिएक्शन करवाई, अभी तो मैंने बताया था आपको एक्सेस में ले लो क्या बना देंगे, OH OH साथ में क्या आएगा, टू मोल्स ऑफ HI, एक्सेस में लिया है हमने, कंसंट्रेटेड HI लिया, क्या बना देगा, OH 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 साथ में क्या आएगा, थ्री मोल्स ऑफ CH3। तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी, जैसे आपसे कहा जाए इसकी भी HI के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी,
क्यों नहीं हो पाएगी? आप कहेंगे सर इसमें क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगी, तो मैं एक चीज बता देता हूं। देखो इधर की साइड तो डबल बॉन्ड करेक्टर वाला चक्कर है, इधर की साइड एक चीज समझो, अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव, समझना, यहां पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, उन्होंने क्या बताया था कि इसे कहते हैं ब्रिज हेड पोजिशन। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड पोजिशन। उन्होंने बताया था कि ब्रिज हेड पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आ सकता सर, ये तो रीजन तो बताओ, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ सकता? तो मैं एक चीज आपको माइंड में क्लियर कर देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि ऐसा करने पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो जाएगी? एसपी टू हाइब्रिडाइज होगी। ये वॉलेटाइल कर देगा ब्रिटिश रूल को, पर आप ले सकते हैं इसमें डू नॉट फॉलो ब्रिटिश रूल, क्योंकि एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब एसपी टू हाइब्रिडाइज कार्बन हो गई तो यहां पर जो एंगल, इसका मतलब क्या है? प्लेन। मैंने आपको बताया था एरोमेटिक करेक्टर में कि प्लेन मतलब क्या, एक ही प्लेन में आ जाए, और ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि ब्रिज हेड पोजीशन पर मतलब कि एक ही प्लेन के अंदर आ जाए। अगर एक ही प्लेन के अंदर ये आ गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, इसलिए ये अच्छा के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एच आई की रिएक्शन एच को लिया, तो ये क्या होना आएगा? CH2I, CH2I, CH2I। फिर आपने फर्दर हीट की, क्या बना देगा? हीट करने पर क्या क्या कंडीशंस आएंगे? हीट करने पर क्या होगा? CH2 जो एडजेसेंट पोजीशन पर, जो एडजेसेंट पोजीशन पर आयोडीन ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे? या तो आप इन दोनों को हटा दो और क्या निकल जाएंगे? दोनों आयोडीन निकल जाएंगे, दोनों बल्कि ग्रुप आप असर प्रश्न करके हीट करने पर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? या ऐसा हो सकता है कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, मतलब या तो ऊपर वाले दो बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दो नीचे वाले, या दो ऊपर वाले आयोडीन निकाल दो नीचे वाले, मैंने ऊपर वाले दो आयोडीन निकाल दिए, बीच वाला आयोडीन सॉरी लास्ट वाला आयोडीन रह जाए, फिर आपने इसके एच आई के साथ रिएक्शन करवा, ये किसको फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है वो आपको पता ही, यहां पर आयोडीन लग जाएगा, यहां पर क्या बनेगा? CH2 वाले, फिर से आपने हीट किया, इसे हीट करने पर क्या होगा? मैंने बताया था जो एडजेसेंट आयोडीन वो रिमूव हो जाते हैं, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी, सबसे पहले आपने एच आई के साथ रिएक्शन करें, जितने भी वो अच्छे सब जगह पर क्या लग जाएगा? एच आई। फिर आपने हीट किया, हीट करने पर क्या होगा? अगर आपसे कहा जाए लिमिटेड अमाउंट में एच आई यूज करो तो प्रोडक्ट बनेगा यहां तक, अगर आप एक्स अमाउंट में एच आई यूज करा है तो रिएक्शन होती रहेगी, फिर यहां तक नहीं जाएगी। आप कहेंगे सर फिर भी तो रिएक्शन हो सकती है अच्छा के साथ, तो मैं कहूंगा वो बिल्कुल हो सकती है। मैं दोबारा सर किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा? इसकी एच आई के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो आपकी एच आई के साथ इसकी रिएक्शन करवाते तो क्या बना देगा? CH3, फिर क्या आएगा? CH2, यहां पर हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? आई। तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करेगा, क्या बना देगा? 2-iodoprotein। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से रिएक्शन होगी, इससे आगे इसकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एडिशन पोजिशन पर आयोडीन नहीं है जो हीट करने पर रिमूव हो जाएगी। फिर ग्लिसरॉल के साथ आप रिएक्शन पढ़ लिया, अच्छा अब CH
2OH एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ पढ़ो, HI के साथ रिएक्शन करो, क्या होना चाहिए CH2I, यहां पे भी आयोडीन लग जाएगा, यहां पर भी आयोडीन, डिलीट कर दिया, क्या होना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आपको बताइए, फिर क्या आएगा इसकी फिर से HI के साथ रिएक्शन करो, क्या होना चाहिए CH2I CH तो जो प्रोडक्ट बन गए। HI के साथ रिएक्शंस आप देख रहे हैं, किस तरह से रिएक्शंस होंगी वो आप देख रहे हैं, मैंने कोशिश करी आपको हर एक पॉइंट क्लियर करने की, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। तो आप को मैंने चीज कुछ मेन मेन पॉइंट आपको मैंने बता दिए, इसमें SN2 और SN1 फॉलो हो सकती है अगर आप कंसंट्रेट HI लेते हैं, लेकिन SN1 का फॉलो होगी ज्यादातर केस में जब एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर आपको ये देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड के बॉन्ड ब्रेक डाउन करके देखने हैं, जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पर आप रिएक्शन करवानी है, लेकिन वो करवानी तभी है जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन हो, जैसे टर्शियरी या सेकेंडरी। अगर दोनों साइड प्राइमरी ही कार्बोकैटायन है और नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, याद रखें दोनों साइड प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम होगी वहां पर आयोडीन अटैच होगा, यानी कि SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब बात आती है कि ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको लास्ट में दो करवाई थी एंट्रेंस लेवल पे, तो आप इस रिएक्शन को करके देखें HI के साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे सर इसकी ये प्रॉब्लम हमें आई है।